गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जुट चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हम अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आने वाले पार्ट हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो क्षितिज में पार्ट 12 ले रहा हूं बेटा मैं आज। यशपाल वाले पार्ट को निकालें आप। इस पार्ट का नाम है लखनवी अंदाज। इसके राइटर, इसके लेखक यशपाल हैं। ध्यान दें, यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर में नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम भी की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति, सरोकारों यानी सपने, वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार। ध्यान देना कौन सी शैली के हैं, यथार्थवादी वास्तविक शैली के। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व धुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मानवीय दस्तावेज है। अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब पाठ के बारे में, यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य पर साबित करने के लिए लिखा है, यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना तथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ठीक है बेटा, जो लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं उनके ऊपर यहाँ कटाक्ष किया है लेखक ने। लेखक ने जो कहने का मतलब यह है, जिसके घर में खाने को आटा नहीं, गेहूं नहीं, वो व्यक्ति रईसों के जैसे आचार विचार, अपने तौर तरीके, कपड़े इत्यादि रख करके शान शौकत को लोगों को बताता है, दुनिया को बताता है। इसी चीज को इस पाठ में लेखक यशपाल जी ने उजागर किया। ठीक है बेटा, लखनवी अंदाज। मुश्किल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। कहने का मतलब यह है, पैसेंजर ट्रेन है बेटा जो कि यात्रियों को लेकर चलने के लिए धुआं उगल रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले। किसने? लेखक ने। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन ही था, मतलब सुनसान था, कोई नहीं था उसमें। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने दो ताके चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब एक सफेद कपड़े पहने हुए लखनवी अंदाज के एक जना बैठे हुए थे। सामने की बर्थ पर उन्होंने तौलिया रख करके दो खीरे सजा रखे थे और लेखक के आते ही पहले उसकी आंखों में असंतोष आ गया। उसके संतोष में विघ्न डल गया कि मेरे एकांत में ये कैसी बाधा पड़ी है। यह भी कहानी के लिए सोच की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने में के संकोच। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया,
हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में नजरें चुरा ली। जब नवाब साहब को कोई मतलब ही नहीं था तो लेखक को भी उनसे कोई मतलब नहीं था, इस कारण से लेखक ने भी नजरें चुरा ली। ओ खाली बेटे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से की किफायत के विचार से सेकंड क्लास का डिब्बा खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे आंखों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, खीरे को खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए, आप अकेले खाएं। आगे क्या कहते हैं, नवाब साहब ने फिर एक पलक खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिये से पोंछा। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाड़ निकाले। फिर खीरों को बहुत एहतियात से पोंछकर छीलकर फांगे करके उन्होंने तौलिये पर सजा लिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते, ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी हाजिर कर देते। तात्पर्य यह है, लेखक पहचान गया था कि ये कोई लखनऊ का नवाब नहीं है जो सफेद कपड़े में सेकंड क्लास के डिब्बे में अकेला बैठा हुआ है, बल्कि यह एक खीरे बेचने वाला व्यक्ति है जो इस तरीके से खीरे को काट करके सजा रहा है। आगे ध्यान दें, नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी भड़क दी। उसकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया से मैं उनका मुंह खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार अपनी ओर देखा, हमारी ओर देखा। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे पहले लेखक। आत्मसम्मान निभाना भी बड़ा ही उचित था। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाइए। यानी भूख भी कमजोर है और पेट भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, इस वजह से आप अकेले ही खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलके मून ली, मुंह में पानी भर आया, पानी की घूंट गले से उतार गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाते, वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह खानदानी रईसों का तरीका है।
कहने का मतलब यह है रईस ज्यादा जो होते हैं वो खाते कम है और बिगाड़ा ज्यादा है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, हम तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा मतलब झुका लेना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब न फाशर तौर न चाह, यह है खानदानी तौर तरीका और लोगों की इज्जत और उनके शो करने का तरीका। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तरफ लेकर क्या कह रहा है कि भाई क्या इस तरीके से जिस तरीके से नवाब साहब ने खीरे को सूंघा और होठों तक लगाया उसके स्फुरण से जो रस स्वाद मुंह में पानी आया था उसके घूंट को वो उतार लिए और खीरे को बाहर फेंक देते हैं, तो ये तरीका जो है उनके पेट भरने का है। नवाब साहब की ओर से पेट भरे पेट से के ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील नामुराद, मैदे पर स्वादिष्ट होता है बहुत अच्छा होता है परंतु ये पेट में वजन बढ़ा देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए पहचाना, यही है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो लेखक कहता है कि बिना विचार के और बिना घटना के और बिना पात्रों के लेखक क्या कोई रचना नहीं लिख सकता, कोई नई कहानी क्यों नहीं लिख सकता, क्यों नहीं बना सकता। जिस तरीके से नवाब साहब ने खीरे को खाए बिना ही पेट भरने का नाटक किया और डकार ली, तो लेखक को भी लगा कि यार अब तो मुझे किसी बिना घटना पात्र की ही नई कहानी का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये रईसों का तौर तरीका है बेटा। रईस ज्यादे किस तरीके से बिगाड़ करते हैं, किस तरीके से दिखावा करते हैं, यशपाल जी ने इस चैप्टर में बताया। ठीक है बेटा, धन्यवाद।